रात का बना भोजन सवेरे या सवेरे का बना भोजन दिन में खाते हैं या बाहर का बना कुछ भी खा लेते हैं और अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं तो यह स्वयं से धोखा है। आप अखंड ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वीर रक्षा करने वालों को भोजन सम्यक तो करना ही चाहिए, साथ में सात्विक भी होना जरूरी है। इन तीन गुणों को देखिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आपका भोजन इन तीनों में से किस श्रेणी में आता है उसी के अनुसार आपकी बुद्धि का विकास होगा। जैसी बुद्धि होगी वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार आप करेंगे। आपके व्यवहार से ही आपकी पहचान बनती है। अन्न और मन का आपस में गहरा संबंध है, इसलिए कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा विचार और जैसा विचार वैसा कर्म। अगर आप भोजन पकने के 3-4 घंटे बाद उसे खाते हैं तो वह सिस्टम में तमस गुण को बढ़ाएगा। जब सिस्टम में तमस बढ़ेगा तो आलस बढ़ेगा, थकान महसूस होगी, कुछ न करने की इच्छा, निराशा, ये सब आपके सिस्टम में होगा। अगर भोजन ताजा है पर आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया तो भी वह सिस्टम में तमस को बढ़ाएगा। लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट, सुपारी, मांस, मछली, अंडे, ये तमस को बढ़ाने वाले भोजन हैं। अगर आप बहुत खट्टा, रूखा, नमकीन, ज्यादा मिर्च मसालों वाला, ज्यादा कड़वा भोजन करते हैं तो यह राजसिक गुण को बढ़ाएगा। जब राजसिक गुण प्रबल होता है तो आप बेचैनी, व्याकुलता और क्रोध महसूस करते हैं। राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं। डर, अहंकार, घमंड, जल्दबाजी करना, ये राजसिक गुण है जो भोजन से आता है। एक ब्रह्मचारी का भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन हमेशा ताजा पका हुआ, रसीला, हल्के मसालों वाला होता है। सभी तरह के ताजे फल, सभी तरह की सब्जियां, ड्राई फ्रूट सात्विक भोजन है। प्रकृति से प्राप्त सीधा भोजन सात्विक श्रेणी में आता है। सात्विक भोजन कम समय में आसानी से पच जाता है। जब शारीरिक सिस्टम में सत्व गुण बढ़ेगा तो प्रसन्नता, करुणा, शुद्धता, धैर्यता, प्रेम, संतुष्टि की भावना, ये सभी गुण अपने आप आने लगते हैं। इन तीनों गुणों में से कौन सा गुण आप में प्रबल है पता कीजिए और लौट आइए सात्विकता की ओर।